हाय नंदू। संजू मैं काम पर हूँ, बाद में कॉल करती। बाद में तो बात करती ही नहीं हो, फोन करता हूँ तो कट कर देती हो। मैंने कहा ना मैं इस वक्त काम पर हूँ, बाद में फोन करती हूँ। इस फुटेज को एडिट सूट में डंप कर दो। ओके नंदिनी। मैंने कहा हाँ ठीक है, हुई थी हमारी। हमारे चैनल को नंबर वन प्लेस पर आना चाहिए। जरूर आएगा सर। आप क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता। यस कम इन। कोशिश कीजिए। नमस्ते सर। मोहन ब्रेकिंग न्यूज़ तैयार है, फुटेज पूरा डंप हो रहा है। आज के दिन की सेंसेशनल खबर है। नंदिनी बैठो। मैटर क्या है नंदिनी? वही सर, गोल्ड कंपनी स्कैम। अरे रुको रुको, ये चोट कैसे लगी? सब बहुत मेहनत करके परेशानी उठाकर फार्म हाउस का फुटेज ले आई हूँ। कंपनी के डायरेक्टर राजेश और होम मिनिस्टर एक दूसरे से मिले हुए हैं, बात हमने ही एक्सपोज की है सर। राजेश पिछले कुछ दिनों से एब्सकॉन्डिंग है सर, लेकिन आज वो होम मिनिस्टर से मिलने के लिए उनके फार्म हाउस पर आया था।
इस फुटेज के जरिए वो दोनों मिले हुए हैं, ऐसा हम श्योरली कह सकते हैं। नंदिनी, ये मामला होम मिनिस्टर से रिलेटेड है, अगर इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाना है तो हमें पहले सोचना पड़ेगा। इसमें सोचने की क्या जरूरत है मोहन? लोगों को झूठी आशा दिखाकर उनका पैसा लेकर भागने वाला फार्म हाउस पर आ रहा है, ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। सब चोर मिलकर फार्म हाउस पर आ रहे हैं, इसी का एक्सक्लूसिव फुटेज है मोहन। अगर हम इसकी स्टोरी क्रिएट करके अगर हम इसे टेलीकास्ट करेंगे तो हमारा टीआरपी बढ़ जाएगा। और हम पर कोई आंच आई तो? मतलब सेंसेशनल न्यूज को छोड़ देंगे मोहन, कॉन्ट्रोवर्सी तो होकर ही रहेगी। नंदिनी, मोहन, नंदिनी जैसा बोल रही है वैसा करो। ओके सर। ओके, गुड बाय नंदिनी। बाय सर। पूरा फुटेज एडिट करके वॉइस ओवर डाल देती हूँ। नंदिनी, प्रेस के फ्रीडम के नाम पर तुम अपनी हद पार कर रही हो। उनके पास पावर है ट्रेसपासिंग करने के लिए, अरेस्ट कर सकते हैं। वैसे भी सिटी कमिश्नर अच्छा आदमी नहीं है। हम लोग जर्नलिस्ट हैं मोहन, ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। डरेंगे तो सच बाहर नहीं आएगा। अन्याय सहन करने वाली जनता को अगर हम विश्वास नहीं दिलाएंगे, हमारा चैनल जनता का पसंदीदा चैनल नहीं बनेगा। मुझसे ज्यादा जर्नलिज्म को तो तुम जानते हो, तो फिर आज तुम शांत क्यों हो गए? सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी आइडियोलॉजी में भी बहुत फर्क आ चुका है। अब तुम मुझसे बहस करोगी? हाँ, कूल 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 कूल। गेट रेडी फॉर द क्लिक, द ब्रेकिंग न्यूज। पापा, आज हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट है, तैयार रहने के लिए कहा था ना मैंने। अरे उससे ये रोग कम नहीं होगा, ना ही जाएगा, रहने दो। मैं कुछ नहीं सुनने वाली, मैं कॉफी लेकर आती हूँ, पीने के बाद तैयार हो जाइए। नंदिनी, नंदिनी, कहा ना, हर बार यही रामायण सुनाती हो। हॉस्पिटल का नाम लिया तो रामायण महाभारत सुनाने लगते हैं। पापा, कॉफी। ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं पापा, आते समय गाड़ी स्किट हो गई थी। ध्यान से चलाना चाहिए ना बेटा, हर काम में जल्दबाजी करती हो। गाड़ी आराम से चलाना चाहिए ना। डोंट वरी पापा, छोटा घाव ही तो है। वैसे भी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, तुम्हें भी मेडिसिन और इंजेक्शन लेना होगा। ठीक है, ओके। कॉफी पियो। नंदिनी, कॉफी बहुत अच्छी है बेटा। थैंक यू पापा। तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही कॉफी बनाया करती थी। महालक्ष्मी जल्दी चली गई, तुम भी अपनी माँ की तरह ही खाना बनाना भी सीख जाओगी तो तुम्हारा पति, सास ससुर सब सुखी रहेंगे। पापा आप हैं ना, आप टेस्टी खाना बनाते रहिए और मैं खाती रहूंगी। मैं क्यों ये सरदर्द पालूं? मैं लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहूंगा क्या? तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए खाना बनाता रहूंगा? इसलिए मेरा ये कहना है कि जरा भी आराम न देने वाले इस जॉब को छोड़कर 9 to 5 टाइमिंग वाले किसी जॉब को देखो बेटा, ऐसा रिस्क नहीं चाहिए। पापा अगर मैं चाहूँ तो मुझे 100 नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन मेरा खुद का एक नाम और पहचान हो, इसीलिए तो मैं ये काम कर रही हूँ। ये टीवी मीडिया में नंदिनी का नाम हमेशा रह जाना चाहिए। तो मैं चलती हूँ। बाय सुधा। कहीं इंजेक्शन न दे दे। नंदिनी, अंकल आइए। सुधा तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई? कोई बात नहीं, बाद में चली जाऊंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं बेटी, रूटीन है ये ना। डॉक्टर विश्वनाथ जी का अपॉइंटमेंट है, पेशेंट का नाम है रामाराव। ठीक है, मैं नोट कर लूंगी। आइए। चलिए पापा, बैठिए अंकल, आराम से। ठीक है, ओके सुधा, अब तुम जाओ। कोई बात नहीं, कंसल्टेशन हो जाने के बाद चली जाऊंगी। सुधा, तुम भी मेरी बेटी की तरह ही हो। थैंक यू अंकल। सुधा,
देखो ये कहीं गिर गई और घायल हो गई है। नंदिनी क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, गाड़ी स्किड हो गई थी और मैं गिर गई। पहले आओ, मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। छोटा घाव है, कोई जरूरत नहीं। जाओ आओ ना नंदिनी। पापा आप भी ना। तुम्हारा भाई कैसा है? ठीक से पढ़ रहा है ना? वो एकदम ठीक है, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। मुझे उसकी एग्जाम फीस भरनी है। मेरे गांव के पहचान के एक आदमी यही रहते हैं, मैंने उनसे फोन करके बात की तो उन्होंने मुझे आने के लिए कहा है। ड्यूटी के बाद वहीं जा रही हूँ। सुधा पक्का देंगे क्या? दे तो देना चाहिए, देखते हैं। सुधा तुम्हारा अकाउंट नंबर भेजो, मैं अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगी। नहीं रहने दो नंदिनी। यू डोंट वरी, जब पैसे आ जाएंगे तो दे देना, ठीक है? थैंक यू नंदिनी। सॉरी 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 सॉरी। ओके। बनने वाले गोल्ड स्कैम का किंग पिन राजेश चुपके से होम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर से मिलने गया। इस स्कैम की जब इंक्वायरी हो रही थी तब एब्सकॉन्डिंग होने वाला राजेश इस राष्ट्र के होम मिनिस्टर से मिलने क्यों आया था? टीवी 16 के स्टिंग ऑपरेशन में मिला हुआ एक्सक्लूसिव फुटेज आपके लिए। हाँ, पब्लिक का जो नुकसान हुआ उसका हल निकालने के लिए, स्कैम के कारण जो प्रॉब्लम हुई उसे सॉल्व करने के लिए ही मैं अजय सराफ से जाकर मिला। इससे ज्यादा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है।